अंशुल दुबे, इस वक्त हम मौजूद हैं ललितपुर में, जहां पर एक धारावाहिक डीडी किसान पर जो रिलीज होना है वो यहां पर शूट हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान नेमाइक बाली जी जो हैं, वो माया नगरी मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं, यहां पर शूट कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे सर, इस सीरियल धारावाहिक की क्या पृष्ठभूमि रहेगी? सब दर्शकों को नमस्कार। मेरा देखिए, सीरियल है अभी रिलीज हुआ नहीं, तो काफी जो स्टोरी लाइन है अभी रिलीज मतलब बता नहीं सकते। जी जी, बड़ी अंदर की बात है, बड़ा अच्छा ट्विस्ट है, बहुत अच्छी स्टोरी है। राम तिवारी इसका निर्देशन कर रहे हैं। जी जी, और इसके प्रोड्यूसर हैं। तो अच्छा है, मजा आ रहा है काम में। तो आपका क्या किरदार है सर इसमें? ठाकुर बनाऊं? अच्छा, ठाकुर भानु प्रताप सिंह खसाना। जी, आनंद आएगा आप सबको ये रोल देखकर। तो सर, ये कब से रिलीज होना है डीडी किसान पे? मुझे लगता है मार्च या फेब एंड में आ जाना चाहिए। फेब एंड तक फेब या हाँ। सर, आप माया नगरी मुंबई से आए हैं, कई फिल्मों और कई धारावाहिकों में आपका पूरे देश में नाम है, हर कोई आपको पहचानता है। आप हमारे क्षेत्र ललितपुर में यहाँ आए हैं, काम कर रहे हैं, इतने दिन हो गए हैं, तो आपको क्या माहौल लगा, कैसा यहाँ ललितपुर जमा? ललितपुर में बड़ा अच्छा है, मेरा तजुर्बा रहा, इससे पहले भी आ चुका 5 साल पहले। जी जी, लेकिन मैंने एक बात देखी, ललितपुर का हर इंसान बहुत ही अच्छा है। जी जी, मतलब वो ऐसा होता है कि भैया आपके लिए क्या करे क्या नहीं करे, उनको वही समझ में नहीं आता, तो इसमें मेरा फायदा हो जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। सर, आप मुंबई में हैं और कई फिल्मों में, कई सीरियलों में आप अच्छे अच्छे किरदार के रूप में रहे हैं। सर, स्टार्टिंग में आपका कोई ऐसा सीरियल हो या कोई फिल्म हो जिसने आपको पूरे देश में आपको एक अपनी अलग पहचान दी? मेरा पहला सीरियल था चंद्रकांता। जी, जो उस समय जब मैं आया था उसमें 86% TRP थी उसकी। जी जी, मतलब 86% भारतीय उस सीरियल को देखते हैं, बड़ा हिट था वो। जी जी, शायद आप छोटे होंगे उस समय। जी सर, लेकिन बड़ा अच्छा उमदा सीरियल था वो। तो सर, आप हमारे ललितपुर क्षेत्र और बुंदेलखंड जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, बुंदेलखंड की युवा साथी, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि कैसे उस स्तर तक पहुंचेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से देखो, संघर्ष तो है जी। एक नाम कमाने के लिए एज एन एक्टर अगर आपका काम अच्छा है तो आपको काम भी मिलेगा, आपको उसका अप्रिसिएशन भी मिलेगा। जी जी, लेकिन दिल से जाओ, अगर आते हो मुंबई तो दिल से जाओ, दिल से काम करो, तो फल तो अवश्य मिलेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर।